हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड क्रेस में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई में बनने जा रही है बहुत ही तीखी चटपटी राजस्थानी स्टाइल में लहसुन और मिर्च की चटनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हो, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी के साथ इसे बहुत ही पसंद से खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हरियाणा राजस्थानी स्टाइल लहसुन और मिर्च की चटनी। तो यहाँ पर मैंने एक मीठी मिर्च ले लिया है, ये करीब 10 से 12 मिर्च हैं और तीखी वाली मिर्च है। इसे गर्म पानी में हम भिगो देंगे आधे घंटे के लिए, जिससे कि मिर्च अच्छे से फूल जाए। आप बिना भिगोए भी बना सकते हो, कोई भी लाल मिर्च ले सकते हैं, चाहे तीखी या बिना तीखी, मगर ये तीखी चटनी बहुत ही चटपटी लगती है। थोड़ी सी चटनी पूरे खाने का जायका बदल देती है। तो आधे घंटे के लिए मैंने मिर्च को फुला दिया है, उसके बाद देखिए अच्छे से भीग गई है। कलर कितना प्यारा लग रहा है ना मिर्च का। आप इसका बीज भी निकाल सकते हो फ्रेंड, मगर मैं बिना बीज निकाले इसे बनाऊँगी, क्योंकि को तीखी चटपटी सी बनाऊँगी। आप इसे मोमोज के साथ भी खा सकते हो, ये इतनी स्वादिष्ट लगती है। और ये देखिए बीज इस तरह से आप जब करोगे ना, इसे मलोगे हाथ से, हल्के हल्के हाथ से, तो ये बीज अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन मैं बीज नहीं निकालूंगी। आपको पसंद हो तो बीज के साथ बनाइए या बीज निकाल के, बीज निकालने से इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और फुला दिया है मतलब भिगो दिया था, तो थोड़ा सा ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, जो कि पीसने में आसानी होगी। और यहाँ पे देखिए एक गांठ लहसुन ले ली है। तो यहाँ मैं ज़्यादा चटनी नहीं बना रही हूँ, इतनी बनाऊँगी जितनी कि ये यूज़ हो जाए, इसलिए मैं इतनी ले रही हूँ। अगर आपको स्टोर करना है तो थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं, इसे महीने भर स्टोर करके भी खाया जा सकता है। फिर इसके बाद बिना पानी डाले इस तरह से इसको पीस लेना है। अगर आपके ग्राइंडर में ये नहीं पीस रहा है तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, वैसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये पीस कर रेडी हो जाएगी। तो देखिए चटनी अच्छे से पीस गई है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वांटिटी कम थी, तो पीसने में थोड़ा सा टाइम लगा, मगर पीस जाती है आसानी से। तो यहाँ पर देखिए पीस कर मैंने निकाल लिया, इसे कटोरी में एक शिफ्ट कर लिया है। और इसके स्वाद और जायके को बढ़ाने के लिए यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैं रेगुलर नमक यूज़ कर रही हूँ, तो टाटा का पिंक सॉल्ट है, ये मैंने वो लिया है। आप कोई भी नमक डाल सकते हो, तो यहाँ पर आप काला नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर रेगुलर नमक मैंने डाला है। इसे अच्छे से करना है मिक्स, और इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम नींबू डालेंगे। तो ये बड़े साइज का है, अगर आप चाहो तो एक नींबू पूरा पूरा डाल सकते हैं, क्योंकि ये खट्टी और तीखी चटपटी सी ये चटनी बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पर पूरा मैं एक नींबू डालूँगी इस तरह से गार कर। इसका पूरा जूस इसमें हमें निकाल लेना है इस तरह से। और फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह से आप बना कर इसे महीनों तक स्टोर कर खा सकते हो, ट्रैवल में ले जाइए, ये चटनी ख़राब नहीं होगी। अब ठंड का मौसम आ रहा है तो बाजरे की रोटी है, मक्के की रोटी है, कोई भी बेसन की रोटी आप बनाइए, उसके साथ खाइए। कोई भी खाने के स्वाद अगर बिगड़ गया है या खाना का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, रोज़ के खाने से बोर हो गए, तो इस तरह से एक बार चटनी बनाकर खाइए। इतनी चटपटी और तीखी सी होती है, बहुत मज़ेदार होती है, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो ये चटनी बनाने का 2 तरीका होता है, दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देसी तरीके से चटनी जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।